अच्छा आपको व्यूअर्स ओवर ऑनलाइन पे एक बार फिर वेलकम। मैं डॉक्टर समर आसिम हूँ और आज हमारे पास प्रोफेशनल हैं डॉक्टर सरवत इकबाल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरवत इकबाल। थैंक यू समर। डॉक्टर सरवत, आपने टाइफाइड पे वीडियो बनाई, उसके जो आम सवाल आते हैं उनमें से एक सवाल आता है कि टाइफाइड पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी होता है, क्या मुझे हर साल होगा? जी, ये एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है जो पेशेंट्स में पाई जाती है कि टाइफाइड का बुखार मुझे हर साल होता है। मेरे पास भी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनकी यही स्टेटमेंट होती है कि डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड हो गया है, मुझे लास्ट ईयर भी हुआ था, मुझे हर साल होता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब भी हमारी जिस्म के अंदर कोई भी जरासीम एंटर होता है तो जिस्म का एक मुदाफ़ियती निज़ाम उस जरासीम के ख़िलाफ़ एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, मुदाफ़ियत प्रोड्यूस करता है। तो वो मुदाफियत आपको उसी जरासीम से आइंदा आने वाले हमले से रोकती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक पेशेंट जिसका टाइफाइड हुआ है, उसका इलाज भी हो चुका है और उसको दोबारा से वो टाइफाइड हो जाए और एवरी ईयर हो, ये बिल्कुल नामुमकिन है। कई दफ़ा कुछ और किस्म के बुखार होते हैं, वायरल फीवर्स होते हैं, जो कि बार बार हो रहे होते हैं पेशेंट्स में, और पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये टाइफाइड ही है जो मुझे हर साल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा अगर टाइफाइड हो तो दोबारा नहीं हो सकता? जी, जिन ममालिक के अंदर टाइफाइड का मर्ज़ आम है, जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान में टाइफाइड एक कॉमन डिजीज़ है जिसके समर्स में इसकी आउटब्रेक्स कॉमनली आती हैं, तो हम में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल टाइफाइड से एक्सपोज हुए हुए हैं, तो हमारे अंदर मुदाफ़ियत डेवलप हो चुकी है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी वो मुदाफ़ियत कुछ कोई भी काम नहीं कर रही और हमें हर साल टाइफाइड हो रहा है। ठीक है, सिर्फ उस पेशेंट के अंदर हम कह सकते हैं कि इसको टाइफाइड हो गया है जिसकी मुदाफियत कमज़ोर है या वो कोई और अद्वियात ले रहा है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके अंदर तो हम सोच सकते हैं कि टाइफाइड दोबारा हो सकता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में जिसमें कोई और बीमारियां नहीं हैं, उसके अंदर बार बार टाइफाइड होना इतने कम अरसे में नामुमकिन है। इसका मतलब उन्हें किसी और वजह से बुखार होता है? जी बिल्कुल, वो टाइफाइड और हाँ, और रीजंस को या और बीमारियों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, टाइफाइड के बारे में आपने बताया था ब्लड कल्चर टेस्ट जो सबसे बेहतर टेस्ट होता है, उसका तो रिजल्ट काफ़ी दिनों में आता है। एक टेस्ट बड़ा आम पाया जाता है, अक्सर पर्चियाँ आई भी होती है, जी विड्रॉल टेस्ट करवा लें और वो जल्दी भी शायद हो जाता है। तो विड्रॉल टेस्ट की क्या वैल्यू है, अहमियत है टाइफाइड को डायग्नोज करने में, ज़रा प्लीज़ बताइए। जी, आज से 10 से 15 साल पहले जब ब्लड कल्चर की सहूलत इतनी कॉमन हर लेबॉर्ट्री में अवेलेबल नहीं होती थी, तब विडॉल टेस्ट या इससे मिलते जुलते और एंटीबॉडी टेस्ट्स किए जाते थे और तब टाइफाइड की तशखीस के लिए इनकी हेल्प ली भी जाती थी इन टेस्ट्स की। लेकिन विडॉल टेस्ट की सेंसिटिविटी 50% है, यानी कि 50% ही चांस हैं कि विडॉल टेस्ट टाइफाइड को गलत डायग्नोज करेगा। ठीक है, कि अगर आप 100 लोगों में विडॉल टेस्ट करते हैं तो हो सकता है 50% में तो वो ठीक डायग्नोज करे, लेकिन 50% में ही वो गलत डायग्नोज कर सकता है या ओवर, हाँ बिल्कुल, हो सकता है किसी और बीमारी में भी विड्रॉल टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर विड्रॉल टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप 100% श्योर नहीं हैं कि पेशेंट को टाइफाइड ही है, कोई और बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, और विड्रॉल टेस्ट अब करंट एरा में मतरूक हो चुका है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, इससे गलत डायग्नोसिस और फिर गलत ट्रीटमेंट के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम विड्रॉल टेस्ट को प्रेफर नहीं करते और ब्लड कल्चर की ही एडवाइस करते हैं कि पेशेंट ब्लड कल्चर ही करवा कर आए। सही, एक और टेस्ट घूमता फिरता रह रहा है, टाइफीडॉट। जी, टाइफीडॉट, हाँ, टाइफीडॉट की सेंसिटिविटी विड्रॉल टेस्ट की निस्बत थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप, हम जब भी पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट को हम पूरे तनाजुर में देखते हैं, उसके सिम्टम्स, उसकी अलामात, उसका एक्सपोजर किस किस चीज़ से हुआ है, उसने खाना क्या खाया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। सिर्फ हमने लेबॉर्ट्री के टेस्ट का इलाज नहीं करना, हमने पेशेंट का इलाज करना है। तो बहुत सारे पेशेंट जिनमें कोई भी अलामत नहीं होती और वो एक पॉजिटिव IgM या पॉजिटिव विड्रॉल के साथ आ जाते हैं, उनको बस ये होता है कि हमारे अंदर टाइफाइड का जरासीम है। तो सिर्फ टेस्ट के पॉजिटिव होने से हम ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर टाइफाइड का जरासीम है, अनलेस के ब्लड कल्चर के टेस्ट हो जाए और उसके अंदर टाइफाइड का जरासीम आ जाए। सही सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि इससे
टाइफाइड से बचने के लिए आपने ये तो बताया कि साफ सुथरी गजा होनी चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, इसकी कोई वैक्सीन भी है और अगर है तो क्या लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO की तरफ से टाइफाइड की वैक्सीन रिकमेंडेड है। स्पेशली बच्चों में 6 मंथ्स से ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं उनमें ये दी जा सकती है। डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स हैं, कुछ 2 साल के अरसे के बाद दी जा सकती हैं, टिल एडल्ट लाइफ यानी कि 40 या 60 ईयर्स की एज तक भी वो दी जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि ये सेफ एज रेंज है जिसमें 6 माह से लेकर 45 साल की उम्र तक टाइफाइड की वैक्सीन दी जा सकती है। और वो इलाके जहाँ पे टाइफाइड की इन्फेक्शन कॉमन नहीं है वहाँ पे टाइफाइड देने वैक्सीन का ज़्यादा फायदा है, या स्पेशली बच्चे जिनमें अभी टाइफाइड का एक्सपोजर नहीं हुआ हुआ होता उनमें टाइफाइड की वैक्सीन देने का ज़्यादा फायदा होता है। वो लोग जो टाइफाइड से एक्सपोज हो चुके हैं जैसे कि हम हैं, एंडेमिक एरिया में हम रह रहे हैं, हर दफ़ा गर्मियों में यहाँ टाइफाइड का जरासीम आता है, तो हमारे अंदर जैसे कि पहले भी हम ये जिक्र कर रहे थे कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो हमें शायद टाइफाइड की वैक्सीन देने से उस तरह से खातिर खा फायदा ना हो। यानी कि चूंकि हमारी इम्यूनिटी खुद ही डेवलप हाँ, हो गई ऑल होगी तो बिल्कुल, हमें जरूरत नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, तो हमारे मुल्क में रहने वाले किन लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए? जी हमारे मुल्क में स्पेशली बच्चों में जिनका टाइफाइड से अभी एक्सपोजर नहीं हुआ उनके अंदर फ़ायदा हो सकता है, या वो पाकिस्तानी जो बाहर हैं और पाकिस्तान से बाहर फिर पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, उनको भी ठीक अच्छा है, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं हुए हुए होते तो उनमें टाइफाइड की वैक्सीन देने का फ़ायदा है। सही, तो आम हम देने की कोई हाँ जी, जरूरत हाँ, नहीं जनरल है। पॉपुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा। सही, टाइफाइड के हवाले से एक कोई टेक होम मैसेज आप हमारे नाज़रीन को क्या दें? जी टाइफाइड का क्योंकि जरासीम आपको पता है कि अनहाइजीनिक फूड अनहाइजीनिक वाटर के थ्रू फैलता है, ठीक है, तो सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोएं, वॉशरूम या रेस्ट रूम यूज़ करने के बाद हैंड वॉश करें, और फूड हैंडलर जहाँ आपको पता है कि एक मयारी खुराक अवेलेबल नहीं है वहाँ से खुराक लेकर ना खाएं, और सबसे प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि आप जितनी अच्छी प्रिवेंशन करेंगे उतना ही आप बीमारी से बचे रहेंगे, बजाय इसके कि आप बीमार हों और फिर आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाएं और फिर इलाज करवाएं। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवर, आपके थैंक यू साथ सो बहुत अच्छा मच। लगा बातचीत करके, आपने बहुत ही अहम बातें बताई। नाज़रीन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का भी वीडियो, आप प्लीज कमेंट से बताइएगा, सवालात पूछिएगा। आप अगले वीडियो तक के लिए डॉक्टर सरवर इकबाल और डॉक्टर सरवर आसिफ को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।